हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म न्यू। डीसी कॉमिक्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बैटमैन, जिस पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं और हर बार ये फिल्में कमाल ही कर देती हैं। और क्रिश्चियन बेल के बैटमैन से लेकर बेन एफ्लेक के बैटमैन तक, दोनों ही एक्टर्स को फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है बैटमैन के रोल में। बट इन दोनों एक्टर्स के अलावा एक और हॉलीवुड का टैलेंटेड एक्टर है जो बैटमैन बनेगा, और उस एक्टर का नाम है रॉबर्ट पैटिनसन, जो हमें उनकी अपकमिंग फिल्म दी बैटमैन में बैटमैन के कैरेक्टर में नजर आएंगे। और दी बैटमैन फिल्म 4 मार्च 2022 को रिलीज होगी, और इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है जो सभी फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। और ट्रेलर से ये साफ पता चल रहा है कि बैटमैन इस बार डिटेक्टिव मोड में नजर आएगा, जो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसमें किलर बैटमैन को खुली चुनौती दे रहा है कि बैटमैन अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखा। तो हम फैंस को बैटमैन फुली डिटेक्टिव मोड में नजर आने वाला है इस फिल्म में। और इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बैटमैन का साथ हमेशा की तरह कमिश्नर गॉर्डन देंगी, और इस फिल्म में बैटमैन के साथ कैट वूमेन भी दिखाई देंगी, जो रियल लाइफ में जेसन मोमोआ की स्टेप डॉटर हैं। और इस फिल्म को जाने माने डायरेक्टर मैट रीव्स डायरेक्ट कर रही हैं, जो इस फिल्म पर कई सालों से काम कर रही हैं, और फाइनली ये फिल्म अब हमारे सामने है। और इसके अलावा दी बैटमैन फिल्म के दो और पार्ट्स आएंगे, तो ये फिल्म ट्रायलॉजी होगी, और इसके साथ साथ दो स्पिन ऑफ टीवी सीरीज भी डेवलपमेंट में है जो HBO Max पर रिलीज होंगी। वैसे ये फर्स्ट टाइम होगा जब बैटमैन हमें इन्वेस्टिगेशन मोड में नज़र आने वाला है, क्योंकि बैटमैन को हमने इससे पहले इन्वेस्टिगेशन मोड में सिर्फ कॉमिक्स में ही देखा है, बस अब ये फिल्मों में भी नज़र आने वाला है इन्वेस्टिगेशन मोड में। तो इस बार दी बैटमैन फिल्म की स्टोरी को थोड़ा अलग रखा गया है, और फैंस को भी बैटमैन के रोल में रॉबर्ट पैटिनसन एकदम परफेक्ट चॉइस लग रहे हैं। तो वेट कीजिए इस धांसू फिल्म का, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है। और मेरी ये अपडेट फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।